हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईडीटी किडयू। ये हमारा स्पेशल करंट अफेयर्स वीडियो है फॉर आईबीपीएस पीओ मेंस 2018 एग्ज़ाम के लिए। इसमें मैंने 60 बेस्ड एमसीक्यू को डिस्कस किया। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इसके पहले मैंने एक और पार्ट को डिस्कस किया था जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें एंड हमारे वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट iitkedu.iitk.in और iitk.in से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हमारा पहला करंट अफेयर है, हु हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया टू डिप्लॉय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड सॉल्यूशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर। हमारा आंसर होगा नीति आयोग। तो नीति आयोग ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, किस चीज़ के लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल अजय तमता हैज इनॉग्रेटेड द 46th एडिशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट IHGF दिल्ली फेयर एट इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया has introduced a unique internet-based mobile app in the upcoming assembly polls to help citizens to give information regarding electoral mark practices. उस ऐप का नाम है सी विजिल। तो सी विजिल ऐप जो है किसने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स स्मृति जुबिन ईरानी हैज इनॉग्रेटेड द 3 days ऑफ 6th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, द डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन डेडिकेटेड अ DRDO वेबसाइट टू फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन न्यू दिल्ली। उस वेबसाइट का नाम है द कलाम विजन डेयर टू ड्रीम। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, हु हैज लॉन्च्ड अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड असिस्टेंट आस्क दिशा फॉर इट्स वेबसाइट। हमारा आंसर होगा IRCTC। तो IRCTC ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट को लॉन्च किया है जिसका नाम है आस्क दिशा अपने वेबसाइट के लिए। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, हु हैज रैंक्ड एज द 58th मोस्ट कम्पिटिटिव इकोनॉमी ऑन द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल कम्पिटिवनेस इंडेक्स फॉर 2018। हमारा आंसर होगा इंडिया। तो इंडिया का कितना रैंक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल कम्पिटिवनेस इंडेक्स में? हमारा आंसर होगा 58th। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, विच इंडियन फिल्म एक्टर हैज लॉन्च्ड अ सेफ्टी ऐप रुद्रम टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वोमेन इन द सिटी? हमारा आंसर होगा कमल हसन। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट नेशनल समिट ऑन इन्वेस्ट इन आयुष एट अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, वह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द नेशनल पुलिस मेमोरियल, इसका शॉर्ट फॉर्म हमारा है NPM, टू द नेशन इन? हमारा आंसर होगा न्यू दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल पुलिस मेमोरियल को डेडिकेट किया है नेशन को, कहाँ? तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, इंडिया विल होस्ट द 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल पार्टनर्स फोरम इन? हमारा आंसर होगा न्यू दिल्ली। जो 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल पार्टनर्स फोरम जो कि इंडिया होस्ट करेगा, कहाँ करेगा? तो न्यू दिल्ली में करेगा। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, हु हैज अप्रूव्ड द इन्हेंसमेंट ऑफ फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर फॉर पिलग्रिम्स विजिटिंग द श्राइन टू 5 lakh rupees? हमारा आंसर होगा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर इन? हमारा आंसर होगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, इंडियाज ओवरऑल रैंकिंग ऑन द गवर्नमेंट्स एडॉप्शन ऑफ ई पेमेंट्स इन 2018? हमारा आंसर होगा 28th। इंडिया का ओवरऑल रैंकिंग है 28वां किस चीज में? ई पेमेंट में। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, इंडिया फर्स्ट वोमेन IAS ऑफिसर आफ्टर इंडिपेंडेंस पास्ड अवे इन मुंबई। उनका नाम था अन्ना रजा मल्होत्रा। अन्ना रजा मल्होत्रा भारत की पहली IAS महिला IAS ऑफिसर थी इंडिपेंडेंस के बाद, जिनकी मृत्यु मुंबई में हुई है हाल में। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म हमारा है DRDO, सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द इंडिजीनियसली डेवलप्ड सर्फेस टू सर्फेस टेक्टिकल मिसाइल, जिसका नाम है प्रहार।
नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है फर्स्ट इवर इंडिया एंड जापान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन 2018 टू प्रमोट मिलिट्री कोऑपरेशन विल बी हेल्ड इन। हमारा आंसर होगा मिजोरम। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है ब्रिटिश राइटर अन्ना बंस हैज वॉन द प्रेस्टिजियस मैन बुकर फॉर हर नॉवल। हमारा आंसर होगा मिल्क मैन। तो यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बार का मैन बुकर प्राइज किन्हीं दिया गया, तो अन्ना बंस को दिया गया जो कि एक ब्रिटिश राइटर है। किस नोवेल के लिए दिया गया, तो मिल्क मैन के लिए दिया गया। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है विच यूनियन मिनिस्टर विल रिसीव द प्रेस्टिजियस कारनॉट प्राइज फ्रॉम द आईवी लीग यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज वर्क फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। आंसर होगा पीयूष गोयल। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है इंडिया वॉज इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस टॉप ह्यूमन राइट्स बॉडी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम। हमारा आंसर होगा 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 से इंडिया को इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन का टॉप ह्यूमन राइट्स बॉडी के लिए। कितना साल के लिए, तो 3 साल के लिए। हमारा करंट अफेयर है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन। हमारा आंसर होगा 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। द थीम ऑफ वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 2018 calls for global action in order to improve bone health and prevent fractures caused by osteoporosis. Next, हमारा क्वेश्चन है World Alzheimer's Day is observed every year on. हमारा आंसर होगा 21 सितंबर 21 सितंबर को World Alzheimer's Day के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है Who has won the 25th Asian Junior Individual Squash Championship title in Chennai? हमारा आंसर होगा युवराज वाधवानी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 36th नेशनल गेम्स इन मार्च अप्रैल 2019 विल बी हेल्ड इन। हमारा आंसर होगा गोवा। 36th नेशनल गेम्स जो कि मार्च अप्रैल 2019 में होने जा रहा है, वो कहाँ होगा, तो वो गोवा में होगा। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है हु हैज बीन नेम्ड फॉर दिस ईयर प्रेस्टिजियस डॉक्टर बी सी रॉय नेशनल अवार्ड। हमारा आंसर होगा डॉक्टर बी के मिश्रा। डॉक्टर बी के मिश्रा को इस साल का बी सी रॉय नेशनल अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है Who has been elected as the chairman of Indian Bank Association for the year 2018-19? हमारा आंसर होगा सुनील मेहता। सुनील मेहता को इस बार इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन फॉर द ईयर 2018-19। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है Who lifted the South Asian Football Federation Cup 2018 in Dhaka, Bangladesh? हमारा आंसर होगा मालदीव। तो मालदीव ने जीता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप 2018 जो हुआ था ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु विल होस्ट द फोर्थ एडिशन ऑफ एशियन पारा गेम्स इन 2022? हमारा आंसर होगा हांगझोउ चाइना। तो चाइना होस्ट करेगी एशियन पारा गेम्स 2022 में जो होने जा रहा है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है हु हैज लॉन्च्ड यूएसडी 1 बिलियन मसाला बॉन्ड प्रोग्राम इन द यूएस एंड यूरोप। हमारा आंसर होगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IFC। IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने USD 1 मिलियन मसाला बॉन्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है। कहाँ किया है, तो US एंड यूरोप में किया है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है द वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ग्लोबली ऑन। हमारा आंसर होगा 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड डे के रूप में। द थीम फॉर 2018 वर्ल्ड फूड डे इज आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर। तो 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का जो थीम था वर्ल्ड फूड डे का, वो था आवर Actions are our future. Next, जो हमारा current affair हुआ the International Day for the Eradication of Poverty is an international observance celebrated every year throughout the world on. हमारा answer was 17th October. The theme of 2018 is, इस बार का जो theme था वो था coming together with those furthest behind to build an inclusive world of universal respect for human rights and dignity. Next, हमारा current affair World Wrestling Championship held in, हमारा answer होगा बुडापेस्ट हंगरी। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ, तो बुडापेस्ट में हुआ, हंगरी में। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है हु वॉन द 24th सीनियर वोमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप एट द बारावती स्टेडियम इन कटक ओडिशा। हमारा आंसर होगा मणिपुर। अब यहाँ से कौन सा नॉर्म हमारा बन सकता है स्टैटिक कि बारावती स्टेडियम कहाँ है, तो ये बारावती स्टेडियम हमारा कहाँ है, कटक ओडिशा में। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है हु वॉन 2018 Nobel Peace Prize for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war. हमारा आंसर होगा डेनिस
मुखवेज एंड नादिया मुराद, तो इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2018 का। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर 46th एडिशन ऑफ सर्वेंटिनो इंटरनेशनल फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन, हमारा आंसर होगा मैक्सिको। 47th एडिशन ऑफ सर्वेंटिनो इंटरनेशनल फेस्टिवल कहाँ होने जा रहा है, तो मैक्सिको में होने जा रहा है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 1 लाख सेलो ट्यूब वेल्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टू हेल्प इन इरीगेटिंग फार्म लैंड, हमारा आंसर होगा असम। असम स्टेट गवर्नमेंट जो है 1 लाख ट्यूबवेल्स प्रोवाइड कर रही है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इरीगेटिंग फार्म लैंड के लिए। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर प्रेस्टिजियस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018, हमारा आंसर होगा विराट कोहली एंड मीरा बाई। विराट कोहली एंड मीरा बाई को सिलेक्ट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 के लिए। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, इंडिया एंड रसिया ज्वाइंट एयरफोर्स लेवल एक्सरसाइज हेल्ड इन लेप्टेस रशिया, उस एक्सरसाइज का हम लोग को नाम बताना है, तो उसका नाम है अभिनंद्रा 18। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज कैरीड आउट इट्स फर्स्ट सबमरीन ड्रिल इन द डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी, हमारा आंसर होगा जापान। जापान ने पहला सबमरीन ड्रिल जो है वो कैरीड आउट किया है, कहाँ किया है, तो साउथ चाइना सी में किया है। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है, द स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव द सेटिंग ऑफ ए रोप वे बिटवीन श्री आनंदपुर साहिब एंड नैना देवी जी इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोर टू बूस्ट द टूरिज्म सेक्टर इन द स्टेट, हमारा आंसर होगा पंजाब। पंजाब स्टेट कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है एक रोप वे बनाने का श्री आनंद साहिब और नैना देवी जी के बीच में। ये कैसा होगा, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व अराउंड द वर्ल्ड एनुअली ऑन, हमारा आंसर होगा 21 सितंबर। 21 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। द थीम फॉर 2018 इज राइट टू पीस द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एट 70। देखिए डे के साथ उसका थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 21 सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का जो थीम था वो था राइट टू पीस द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एट 70। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन, हमारा आंसर होगा 15 सितंबर। 15 सितंबर को हम लोग क्या रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज टेकन चार्ज एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारा आंसर होगा प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार को बनाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना फॉर इंश्योर्ड पर्सन कवर्ड अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, हमारा आंसर होगा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC, जिसका पूरा नाम होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ने अप्रूवल दिया है एक नए स्कीम का, उस स्कीम का नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज सेट अप एट इंडिया पेवेलियन एट द फूड एंड ड्रिंक टेक्नोलॉजी अफ्रीका 2018, हमारे आंसर होगा ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है TPCI। तो TPCI, जिसका पूरा नाम क्या है, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ने सेटअप किया है इंडिया पेवेलियन एट फूड एंड ड्रिंक टेक्नोलॉजी अफ्रीका 2018। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर, हु लॉन्च नेक्स्ट राउंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिव्यू विथ इंडिया, हमारा आंसर होगा सिंगापुर। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा NABARD, हैज सैंक्शन रुपीज 335 करोड़ अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू, किस स्टेट को लॉन्च किया है, हमारा आंसर होगा वेस्ट बंगाल को। तो NABARD, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ने वेस्ट बंगाल को सेंक्शन किया है 335 करोड़ रुपया, किस चीज़ के अंतर्गत, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, द सुप्रीम कोर्ट पार्शियली स्ट्रक डाउन सेक्शन 377 द पेनल प्रोविजन विच क्रिमिनलाइज्ड, हमारा आंसर होगा गे सेक्स। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, 7th मीटिंग ऑफ नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड हेल्ड इन, हमारा आंसर होगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज अपॉइंटेड वोडाफोन आइडियाज फर्स्ट CEO, हमारा आंसर होगा बलेश शर्मा। बलेश शर्मा को अपॉइंट किया गया है वोडाफोन आइडियाज फर्स्ट CEO। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंशियल
जैन मुनि पास्ड अवे आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस इन दिल्ली। उनका नाम क्या था? उनका नाम था तरुण सागर। तरुण सागर एक जैन मुनि थे जिनकी मृत्यु हाल में ही हो गई है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा IPPB, एंड प्राइवेट लाइफ इंश्योरर हैव इंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन। तो हमें उसका नाम बताना है, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है। तो उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम है हमारा बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसके साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप किया है। किस चीज़ के लिए? तो लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च्ड एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर। तो हमारा आंसर होगा न्यू दिल्ली। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ क्या बनेगा, हर्षवर्धन कौन है? तो वो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, ठीक है। उन्होंने दिल्ली के लिए क्या लॉन्च किया? तो एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट A7 हेल्ड इन। तो हमारा आंसर होगा कहाँ हुआ? शिमला में हुआ। तो शिमला में हमारा सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 7 हेल्ड हुआ। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर वो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑन एकेडमिक लीडरशिप ऑन एडुकेशन फॉर रिसर्जेंस इन। तो हमारा आंसर होगा दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है कॉन्फ्रेंस ऑन एकेडमिक लीडरशिप ऑन एजुकेशन फॉर रिसर्चर्स। कहाँ किया है? तो न्यू दिल्ली में किया है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर एंड इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा UNCD इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। हमारा आंसर होगा पंकज शर्मा। पंकज शर्मा को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर एंड इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, जिसको हम लोग UNCD बोलते हैं। कहाँ? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, हु बिकम द फर्स्ट CEO ऑफ टाइम्स अप। तो हमारा आंसर होगा लीजा बॉर्डर्स। तो फर्स्ट CEO ऑफ टाइम्स अप कौन बने हैं? तो हमारा आंसर होगा लीजा बॉर्डर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु स्वर्न इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारा आंसर होगा जस्टिस रंजन गोगोई। जस्टिस रंजन गोगोई नए चीफ जस्टिस बने हैं भारत के। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस इंडिया न्यूज पेपर सोसाइटी फॉर द ईयर 2018-19। हमारा आंसर होगा जयंत मेमेन मैथ्यू। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है, द वर्ल्ड एनिमल डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। हमारा आंसर होगा 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज हमें कॉमेंट करें, हमें शेयर करें एंड हमें लाइक करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।